खटकी चुलकानी है, ठीक है। हम इसके अंदर जखिया का छौंक लगाते हैं, छौंक से उसकी महक बहुत अच्छी निकल करती है। ये रही हमारी डोगरी थाली। तो ये जो हमारा लोकल खाना है, ये सिद्धू है, ये सरसों का साग है, ये कड़ी, ये देखिए स्टफिंग जो है, ये सेपू बड़ी, अजवा, कद्दू का खट्टा, ठीक है कद्दू का खट्टा। मंडियाली थाली जिसके लिए हम स्पेशल यहाँ पे आए हुए हैं। वेलकम बैक टू माई चैनल, मेरा नाम है सूर्या और गाइज मैं लेके आई हूँ एक और वीडियो आप सबके लिए। गाइज आज की जो वीडियो है ना, मतलब उसमें क्या है, मैं अपना शेयर करने वाली हूँ आप सबके साथ एक्सपीरियंस किस चीज़ का, जो मैंने अलग अलग जगह पे ना थालियाँ खाई है ना, मतलब अलग जगह की पहाड़ी थाली हो गई, लोकल वहाँ का खाना हो गया। तो मतलब मैं एज एक पूरी एक सिंगल वीडियो में मैं 4-5 जो भी मेरे एक्सपीरियंस हैं ट्रैवल करने के, जहाँ जहाँ मैं गई हूँ, जहाँ जहाँ मैंने अलग अलग तरह का खाना खाया है, कि यम्मी यम्मी सी थालियाँ जिसमें मतलब अलग वहाँ का लोकल फूड है। और मैं चाहती हूँ कि आप जब भी कभी जाओ तो वो पक्का ट्राई करो, पक्का ट्राई करो। मतलब ये एक ऐसा एक्सपीरियंस रहता है कि जो आप हमेशा याद रखते हो, क्योंकि आप हर जगह हर बार नहीं जाते हो। तो खाने कैसी चीज़ है कि जो सबको पसंद है और सब मतलब बड़े प्यार से खाते हैं, और जो खिलाने वाले हैं ना वो भी बड़े चाव से खिलाते हैं, बिल्कुल बड़े खुश होकर खिलाते हैं। ये आपको वीडियो में पता चलेगा, ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ। वीडियो शुरू करने से मैं पहले यही बोलूँगी कि गाइस जाओ जाके लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और पक्का बताना कि तुम लोगों को मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती भी हैं कि नहीं लगती है। मतलब मैं टाइम वेस्ट तो नहीं कर रही ना तुम लोगों का। सो गाइज कमेंट पक्का करना, ये बताना मुझे कि कैसा लगा तुम्हें वीडियो देख। छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगी कि जैसे आप लोगों ने हमारे 10K जो पूरा फैम है, यूट्यूब फैम हमारी अभी पहुँचाई है 10K तक, आपने सब्सक्राइब किया है, वैसे ही आगे भी सपोर्ट करते रहें और इस वीडियो को लाइक करें, ताकि मेरी मोटिवेशन आपसे मतलब बहुत 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 ज़्यादा बढ़ जाए। और सब्सक्राइब करें और बस। तो गाइस जो पहली वीडियो, जो पहली जगह मैं बताने वाली हूँ वो है मंडियाली थाली। मंडियाली थाली जो है मैं मंडी में खाई थी, जैसे आप नाम सुन सकते हैं मंडियाली, तो मंडियाली जो है वर्ड मंडी से ही आया है। ये जब मैं अपने हिमाचल रोड ट्रिप पे थी तब मैंने ट्राई किया था मंडियाली थाली। हमने जो शर्मा ढाबा है वहाँ पर ट्राई किया था। तो आप देख सकते हैं ये थाली, मंडियाली थाली जिसके लिए हम स्पेशल यहाँ पे आए हुए हैं। तो माँ की तरह से शुरू करते हैं। बहुत सिंपल है, इसमें मुझे लग रहा है कोई गार्लिक वगैरह कुछ डाला नहीं है, बहुत सिंपल डाला है। ये हल्का सा ना, हल्की सी खटास भी आ रही है इसमें, ज़्यादा कुछ मसाला वगैरह बिल्कुल ऐड नहीं किया है। जितना सिंपल चीज़ रहे उतना ही ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ये आ गया झोल, मैं दाल को झोल को मिक्स करके खाती हूँ, देखते कैसे आता है। कड़ी जैसा ही है, बस हल्का सा पतला है। जो थर्ड आइटम है ये है सेपू बड़ी, ये उड़द की दाल की बनी है। दाल का पूरा फ्लेवर आ रहा है। लास्ट में ये आ गया कद्दू का खट्टा, इसमें इन्होंने शुवारा ऐड किया है और गुड़ हम भी डालते हैं, गुड़ से खट्टा खट्टा, इमली भी डालते हैं, बस ये कि शुवारा जो होता है उसको डेट्स बोलते हैं इंग्लिश में, वो ऐड किया हुआ है। आपको खट्टा है, सो गाइस जो दूसरी थाली, दूसरी जगह जो है वो है मुक्तेश्वर उत्तराखंड में। मैंने यहाँ पर कुमाऊनी थाली, जो यहाँ का लोकल फूड है, कुमाऊनी खाना मैंने ट्राई किया था, वो भी निर्वाणा ऑर्गेनिक में, जो कि एकदम मेन मुक्तेश्वर में ही है। और आप थाली देख सकते हैं कि कितनी भरी हुई है, ये बहुत ज़्यादा भरी हुई और बहुत ज़्यादा हेल्दी। ये पहाड़ी झोली बना रहे हैं, ठीक है। झोली एक कढ़ी का फॉर्म होता है, बड़ा पतली फॉर्म ऑफ कढ़ी, जिसमें के अंदर एक्स्ट्रा नींबू डाला जाता है, काफी खट्टा होता है वो, ठीक है। ये झोली है और ये हम भट्ट की चुलकानी बना रहे हैं। भट्ट की चुलकानी, भट्ट एक पहाड़ी फॉर्म ऑफ सोयाबीन होता है, ब्लैक बीन होती है, ठीक है। काफी प्रिपरेशन होती है 4-5 तरीके से। चुलकानी उसको आप रोस्ट करके और ग्राइंड करके बनाते हैं उसको, ठीक है।
नींबू डालता है प्लस ये पतली होती है कढ़ी, थिक होती है ये, बहुत थिन होती है, पतली ग्रेवी होती है इसकी, और ऊपर से एक्स्ट्रा नींबू भी डाला जाता है इसके अंदर। तो नींबू बना कर डालते हैं? बिल्कुल। आलू के गुटके बन रहे हैं। ड्राई आलू की सब्जी होती है, पहाड़ी आलू और प्लेन के आलू का डिफरेंस आपको पता ही है। पहाड़ी आलू काफी पोटेंट होता है, टेस्ट बहुत इंटरेस्टिंग होता है। बिल्कुल। प्लस हम इसके अंदर जखिया का छौंक लगाते हैं। जखिया एक बारीक दाना होता है जो कि पहाड़ी फॉर्म और जीरा हुआ एक तरीके से, तो बहुत बढ़िया अरोमा आता है और आपकी भूख भी बढ़ाता है। ये है जखिया आपका, इस तरीके से जखिया दिखता है, जीरे का फॉर्म होता है, इसके छौंक से उसकी महक बहुत अच्छी निकल करके आती है। आलू के गुटके जखिया के बिना इनकम्प्लीट होते हैं। तो पहाड़ी रायता पहाड़ी ककड़ी से बनाई जाती है, जैसे ये हमने इसको छील लिया है पहले, और इसको अब हम कद्दूकस करके इसको ग्रेट करके, और इसके अंदर हल्दी दही और राई, राई का छौंक उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एकदम येलो कलर होता है हल्दी की वजह से, और राई का जो झाल जो आता है वो आप जब आप खाते हैं आपके अंदर बढ़िया सी स्मेल आती है, उस तरीके से पहाड़ी रायता बनता है। ये मेन है, मतलब राई के बिना तो नहीं बनेगा ना, राई के बिना बिल्कुल नहीं बनेगा। ये हम पाउडर्ड फॉर्म में राई को ऐड कर रहे हैं, इसकी स्मेल बहुत अच्छी जो होती है, पंजन स्मेल जिसको झालम बोलते हैं पहाड़ में, वो आती है। ये भट्ट की चुलकानी है, भट्ट पहाड़ी फॉर्म ऑफ सोयाबीन है, ब्लैक कलर का होता है। ये आपका आलू के गुटके हैं, ये आपकी झोली है, झोली पहाड़ी कढ़ी का फॉर्म है। ये है आपकी चटनी, भांग की चटनी, भांग और पुदीने की चटनी है। ये आपका पहाड़ी चावल है, ये आपका छाछ है, इसमें जीरा जीरा और हाँ जीरा और ब्लैक सॉल्ट जो पहाड़ी जो नमक होता है वो डाला गया है इसके अंदर। ये आपका गहत की दाल का सूप है, गहत की दाल के सूप से आपका गॉल बैटर का स्टोन रिमूवल भी होता है, इसको आप कुल्थ के नाम से भी जानते हैं। रायता हो गया, मड़ुवे की रोटी है, मड़ुवे को आप रागी के नाम से जानते हैं। ये हमारी पहाड़ी चॉकलेट है, ये खीर है आपकी, रेड राइस की खीर है, गाय के दूध में बनी हुई है। ये हमारी पूरी आपकी थाली है, उठाना चाहो ना, काफी हैवी है ये, हैवी, बहुत हैवी है। सो गाइस, तीसरी पहाड़ी थाली जो मैंने खाई थी वो मैंने खाई थी मनाली में। वैसे मनाली से 30 किलोमीटर की दूरी पर एक खूबसूरत सा गांव पड़ता है जिसका नाम है जाना। जाना में एक छोटा सा वाटरफॉल भी है, और वहीं पर सागर ढाबा नाम का जो जगह है वहां पे मैंने पहाड़ी खाना खाया था, मतलब प्रॉपर पहाड़ी थाली खाई थी जो कि बहुत लाजवाब थी। और मैं चाहती हूँ कि आप कभी भी वहाँ जाएँ ना तो ये थाली पक्का टेस्ट करें। ठाकुर ढाबे से यहाँ पर हमारे यहाँ पर पूरे गांव का लोकल ट्रेडिशनल फूड मिलता है, ये रेड राइस है, ये सिड्डू है, ये सरसों का साग है, ये कढ़ी, ये घर का राजमा है, ठीक है, ये शक्कर होता है, ये देसी घी, घी और शक्कर को आप मीठे में भी खा सकते हैं, और ये अचार है, ये चटनी, ये चटनी ये भी छूटी की चटनी है, हमारे घर की चटनी है जो हमारे यहीं पे मिलती है। ये आ गई अभी अभी चूल्हे से गर्म गर्म बनी हुई मक्की की रोटी, और इस थाली का जो प्राइस है वो है 180 रुपीज, और काफी फिलिंग है, दिखने में काफी सुंदर लग रहा है। जस्ट बनाइए। अच्छा, इसको कितना टाइम लगता है बनाने में? मैम 10 मिनट में तैयार हो जाता है। अच्छा, ये आटे से बनता है? ये आटे से बनता है, आटा गूंद के रखना पड़ता है। इसमें डाला मैंने अखरोट और मूंगफली। ये देखिए स्टफिंग जो है, स्टफिंग में भरा हुआ है इन्होंने पीनट और साथ में अखरोट। टेस्टी लग रही है ये, हमने घी लगा लिया, ये देखिए प्योर घी है एकदम, और जम रहा है क्योंकि ठंड बहुत है। बनने वाली है हमारी चूरी, इसमें ये आगे शक्कर, हाँ ये एक और हमारा देसी घी, दद मजा आ जाएगा। हाय हाय हाय, गाइज अब बारी है स्पेशल थाली की जो मैंने खाई थी चोटी वाला रेस्टोरेंट ऋषिकेश में, और आई होप आपने ये भी कभी ट्राई किया हो, अगर नहीं है तो वैसे एक आध बार आ सकते हैं। यहाँ पे जो है मैंने स्पेशल थाली जो है ऑर्डर की थी, सो चलो देखते हैं इस थाली में क्या क्या है और टेस्ट कैसा है। पनीर बटर मसाला जो कि ये है, दिखने में काफ़ी ज़्यादा क्रीमी, हल्की सी स्वीटनेस है इसमें। यह दाल मखनी,
अच्छा टेस्ट आ रहा है। मिक्स्ड वेज, मिक्स्ड वेज ठीक है, एवरेज है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अब बारी है हमारे जम्मू के खाने की, हमारी डोगरी थाली की, जो मैं यही कहूँगी जिसके बारे में कि अगर आप कभी भी जम्मू आ रहे हैं और अगर आपने इसको मिस कर दिया तो आपका जम्मू आना बिल्कुल बिल्कुल बेकार है, व्यर्थ है एकदम। तो चलो देरी नहीं करते हैं, शुरू करते हैं डोगरी थाली की प्रिपरेशन। डोगरी थाली आ गई है यहाँ पे, ये देखिए कितना कुछ है खाने के लिए। सबसे पहले मैं शुरुआत कर रही हूँ इससे, आप सोच रहे हैं ये पूड़ी है या भटूरा है, नहीं ये खमीरा है, हमारी डोगरी में इसको खमीरा बोलते हैं। और ये बनाया जाता है यीस्ट डाल के, पुराने जमाने में यीस्ट तो होती नहीं थी, तो लोग क्या करते थे, आटा जो है उसको बाहर ही रख देते थे ताकि वो थोड़ा सा खट्टा हो जाए, और जब वो खट्टा हो जाता था तो उसके ये बनते थे खमीरे। तो खाने में ये बहुत टेस्टी है। पर ये है अम्बल, अम्बल जो है वो खट्टा जो एकदम टैंगी टेस्ट है इसका, और ये बनाया जाता है पंपकिन के साथ, कद्दू के साथ बनाया जाता है। और जो हरी दाल, ये जो दाल है ये बहुत सिंपल दाल है, इसमें एक सिंपल सा तड़का लगाया है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई मसाला नहीं, कुछ नहीं एकदम, पर जो तड़का है वो काफी अलग तरीके से लगाया गया। ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स हैं खाने में, ये मीठा है, और अब देख सकते हैं कि कितना घी है इसके ऊपर। सो गाइज ये थी हर एक थाली की थोड़ी थोड़ी झलक। वैसे अगर आपको पूरी वीडियोस देखनी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में जो है इन सब का अलग अलग सा जो लिंक है फुल रिव्यू वीडियो ऐड किया है, आप देख सकते हैं विद रेसिपीज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।